आज हमने एक बनाया है टीएलएम पर्यायवाची का। जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखा है, आग है, जैसे आग जल रही है, ठीक है। और आग के जो पर्यायवाची हैं वो क्या है, पावक, दहन, अनल, अग्नि, ठीक है। आग तो हमने लिख ही रखा है। इसी के बाद आ गया हमारा दूसरा, क्या आ गया हमारा, ये चांद। तो चांद के पर्यायवाची क्या होते हैं, राशि, मयंक, चंद्र, राकेश, निशापति, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इधर, हम निकालते हैं अपना दूसरा कार्ड, ठीक है। अब हमारा क्या बना हुआ है, क्या दिख रहा है आपको, पेड़। पेड़ के पर्यायवाची क्या है, तरु, विटप, पेड़, वृक्ष, द्रुम। अब आ जाते हैं हमारा, अब हम निकालते हैं अपना नेक्स्ट कार्ड। ये है हमारा, क्या लिख रहा है आपको, पहाड़। पहाड़ के पर्यायवाची क्या है, अचल, गिरी, पहाड़ तो है ही लिखा हुआ ही है, शैल और पर्वत, ठीक है। ये बहुत आसान भी है बनाना और ये बहुत ज़्यादा उपयोगी भी है। फिर आ जाते हैं हमारे ये बादल, है ना। बादल के पर्यायवाची क्या हो गए, अम्बुद, मेघ, बादल, जलद, ठीक है। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट घर। ये हमारा घर बना हुआ, घर के पर्यायवाची क्या है, आवास, सदन, घर, आले, नीले, ये सब हो गए हमारे घर के पर्यायवाची। अब नेक्स्ट है हमारा फूल। फूल के पर्यायवाची क्या है, सुमन, मंजरी, फूल, कुसुम, पुष्प। मंजरी, देखो बच्चों की किताब भी है मंजरी, अब बच्चों को पता चल गया होगा कि मंजरी को क्या कहते हैं। अब ये हमारा है सूरज। सूरज के कौन कौन से पर्यायवाची हैं, ये थोड़ा सा हमारा कार्ड इसमें शायद सेट नहीं आया, थोड़ा सा बाहर निकल रहा है ये, क्योंकि ये पीछे से हमने लगाया था तो ये हमारा पीछे से थोड़ा हमारा डिसबैलेंस हो गया। भास्कर, सूर्य, रवि, दिनकर और भालू, ठीक है। ये हमारे हो गए पर्यायवाची। अब आपको कैसा लगा ये हमारा रूपाली मैडम का बनाया हुआ टीएलएम, बताइएगा जरूर। बाय।